नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त परवीन राणा। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेड कॉपी करके MT5 के थ्रू। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको MT4 के थ्रू दिखाया था किस तरीके से आप ट्रेड कॉपी कर सकते हो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे MT5 के बारे में, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि हमारे चैनल पर जो आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ और ये सब चीज़ों में, यानी कि स्टॉक मार्केट के बारे में जो एक्सपर्टिज़म होता है वो आपको हमारे इस चैनल से मिलेगा अगर आप हमारे सारे प्रॉपर वीडियोस देखते हैं तो, ठीक है। और एल्गो ट्रेडिंग अगर इंडियन मार्केट में भी करते हैं तो भी आप हमारे प्लेटफॉर्म पर इससे जुड़ सकते हैं और एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या क्या फंक्शंस आपको मिल जाते हैं कॉपियर में, और एट लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको इसका सेटअप करना है। तो सबसे पहले वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं एक ट्रेड करके दिखाऊंगा। अब आप देखिए यहाँ पर मैं ये जो लेफ्ट वाला मेरा MT5 है वो मेरा मास्टर अकाउंट है और राइट वाला जो है वो मेरा स्लेव अकाउंट है। तो मैं बाय का बटन प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने बाय का बटन प्रेस किया आप देख सकते हैं दोनों अकाउंट में बाय का ट्रेड लग गया है, ठीक है। अब अगर मुझे इस ट्रेड को क्लोज़ करना है तो सिंपली मैं क्लोज़ का बटन प्रेस करूंगा तो सारे ट्रेड दोनों अकाउंट के क्लोज़ हो गए। अब ये दो अकाउंट में नहीं, आप 10 15 20 जितने मर्जी अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन वो सब लोकल मशीन पे, यानी कि आपके कंप्यूटर पे या आपके VPS पे लॉगिन होने चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रेड मैंने क्लोज़ कर दिया, अब दोनों अकाउंट से क्लोज़ हो गए। अब मैं आपको अलग अलग इसके फंक्शंस के बारे में बताता हूँ और वन बाय वन आपको दिखाता हूँ कि फंक्शंस को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते। सबसे पहले आपको एक्सपर्ट लिस्ट पे जाना है, वहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। जैसे आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे यहाँ पर आपको दिखेगा बोथ मार्केट ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सिर्फ मार्केट ऑर्डर को कॉपी करने या पेंडिंग ऑर्डर भी कॉपी करने। तो अभी दोनों ऑर्डर्स को हमने टिक किया हुआ है। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे एक्सेप्ट ट्रेड ओनली बाय, यानी कि सिर्फ बाय का ट्रेड एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अगर सिर्फ बाय का करना है और अगर सिर्फ सेल का करना है तो ओनली सेल पे या ओनली बाय पे क्लिक करेंगे। अगर दोनों साइड के ऑर्डर करने हैं तो बोथ बाय एंड सेल पे क्लिक करेंगे। तो अभी मैं बोथ बाय एंड सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ओके करके क्लोज़ कर रहा हूँ। अब मैं एक ऑर्डर बाय मार रहा हूँ और एक ऑर्डर सेल मार रहा हूँ। आप देखेंगे दोनों ऑर्डर्स यहाँ पर प्लेस हो गए, ठीक है। इन दोनों ऑर्डर्स को क्लोज़ कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी सेटिंग चेंज करेंगे और सेटिंग में जाके हम इसको करेंगे ओनली बाय ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये ट्रेड है इसको हमने सेलेक्ट किया ओनली बाय ऑर्डर। अब ओनली बाय ऑर्डर करके मैंने क्लोज़ किया और अब मैं अपने अकाउंट से मारूंगा सेल, ठीक है। ये मैंने सेल मारा, आप देख सकते हो कि सेल का ट्रेड यहाँ पर नहीं गया। अगर अब मैं बाय का ऑर्डर मारता हूँ तो वो ट्रेड यहाँ पर चला जाएगा। आप देख सकते हो बाय का ऑर्डर मारा, ये चला गया, ठीक है। ये फंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि आप अगर चाहते हैं कि भाई दूसरी साइड का ट्रेड ना हो, सिर्फ आज बाय ही बाय करना है तो फिर बाय ही बाय पर क्लिक कर सकते हो। अगर सेल ही सेल करना है तो ओनली सेल पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों को मैं ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद है रेगुलर ट्रेड या रिवर्स ट्रेड। रेगुलर ट्रेड और रिवर्स ट्रेड का मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि अगर मास्टर आपका अकाउंट में बाय हो तो आपके अकाउंट में सेल हो जाए, उसके लिए आप रिवर्स ट्रेड पर क्लिक करेंगे। मैं इसको भी कर रहा हूँ और अब देखिए मैं एक अकाउंट में बाय मार रहा हूँ तो दूसरे अकाउंट में आपका सेल ऑर्डर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बाय गया, यहाँ पर सेल गया। इन दोनों को भी क्लोज कर देते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक ऑप्शन है मैनुअल क्वांटिटी ऑन और ऑफ। अगर आप मैनुअल क्वांटिटी को ऑन करते हो तो आप देखेंगे मैनुअल क्वांटिटी 0.03 है। अब मैं इसको भी ओके कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक ट्रेड मार रहा हूँ 0.01 में। आप देखेंगे आप मेरे लेफ्ट वाले अकाउंट में 0.01 गया और लेकिन मेरे राइट साइड वाले अकाउंट में गया है 0.303, ठीक है। तो ये है आपका मैनुअल क्वांटिटी का। आप चाहते हैं भाई मैनुअली आपका बंदा जो मास्टर है वो अगर आपकी ज़्यादा ट्रेड डाल रहा है और आप चाहते हैं कि मुझे कम डालनी है, या फिर वो कम क्वांटिटी की ट्रेड डाल रहा है और आपको चाहिए कि आप ज़्यादा क्वांटिटी डालिए, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रेड है ट्रेड मल्टीप्लायर, ठीक है। ट्रेड मल्टीप्लायर को ट्रू कर दिया और मैंने यहाँ पे 5 कर दिया। तो अब मैं जितनी भी ट्रेड डालूंगा एक अकाउंट में उसका 5 टाइम्स ट्रेड होगा। यहाँ पर मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं दूसरे अकाउंट में 0.5 का ट्रेड हुआ है, 0.05 का ट्रेड हुआ है, यानी कि 5 गुना मल्टीप्लायर में हुआ है। ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं हम एक्सपर्ट में। एक्सपर्ट में हमको प्रॉपर्टीज़ में अब आगे का फंक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आगे का फंक्शन है कॉपी स्पेसिफिक सिंबल, यानी कि इसमें ये होगा कि जिस जो आपने सिंबल यहाँ पे जैसे यूरो USD USD CAD और यूरो GBP, ये 3 सिंबल्स डले हुए हैं, इसके अलावा और कोई सिंबल में ट्रेड डालेंगे तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यूरो USD में डाल रहा हूँ, दोनों अकाउंट में यूरो USD था तो यूरो USD का ट्रेड चला गया। उसके बाद मैं AUD USD में ट्रेड डाल रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं AUD USD है। AUD USD में अगर मैं बाय का प्रेस करूंगा तो अब यहाँ पर मेरे इस अकाउंट में तो बाय गया है लेकिन दूसरे अकाउंट में बाय नहीं जाएगा। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर बाय नहीं गया,
अभी मैं दोनों को क्रॉस कर रहा हूँ और उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप एक्सपर्ट प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद है सिंबल फ़िल्टर। सिंबल फ़िल्टर देखो अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे ब्रोकर्स के अकाउंट में क्या होता है कि सिंबल के नाम के आगे वो कुछ और प्रीफिक्स लगा देते हैं, जैसे एस एस लगा देंगे, बी एक्स या MM, ऐसे AA, ऐसे कुछ लिख देंगे। तो उसमें ये फिल्ट्रेशन के लिए काम आता है कि अगर आपका मास्टर के अकाउंट में BB आगे लास्ट में लिखा आ रहा है, तो वो फर्स्ट 6 डिजिट ही पकड़ेगा जो भी है, और उसके हिसाब से फर्स्ट 6 डिजिट को कैच करके उसके हिसाब से ट्रेड कर देगा, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पर करेक्टर की लेंथ मैच करने के लिए कि 4 या 6 चाहिए आपको, क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेड टाइमिंग के कितने बजे से कितने बजे तक आपको ट्रेड करना है और कितने बजे तक आपको ट्रेड नहीं करना है, वो यहाँ पर टाइमिंग डाल सकते हो, जो भी टाइमिंग डालोगे उसके हिसाब से आपका ट्रेड हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों कॉपियर के फंक्शंस। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉपियर को किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो कॉपियर इंस्टॉल करने के लिए आपको एक फोल्डर मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और आपको इंस्टॉल करना है नोड का सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नोड JS का, ये डाउनलोड नोड JS पे जाएंगे, जो भी आपका 32 बिट या 64 बिट का जो भी है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब इंस्टॉल करने के बाद आपको जैसे यहाँ पर मान लीजिए 64 बिट आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा आप शो इन फोल्डर पे जा सकते हो, यहाँ पर आ गया, इसको डबल क्लिक करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट 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 करते रहना है, ठीक है। ये नेक्स्ट किया आपने, एक्सेप्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, इंस्टॉल, ठीक है। ऐसे करने से ये नोड का सर्वर इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब नोड का सर्वर इंस्टॉल हो जाए तो आपको कॉपियर के फंक्शंस मिलेंगे। आपको कॉपियर के जो फोल्डर हमारी तरफ से मिलेगा, उस फोल्डर में आपको ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है, मेरा ऑलरेडी चल रहा है, तो इसको ये दिखा रहा है, ठीक है। मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। तो आपको जो फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में आपकी जो फाइल्स होंगी, इस तरीके से फाइल्स होंगी, ठीक है। आपको एक मास्टर का होगा, एक स्लेव का ये होगा, और एक नोड सर्वर होगा, ठीक है। नोड सर्वर को और मास्टर को, इन दोनों को आपको कॉपी करना है और इनको डालना है आपको यहाँ पर आके। आपको फाइल में जाना है, ओपन डेटा फोल्डर में जाना है, और उसके बाद MQL4 में जाना है, एक्सपर्ट्स में जाना है। यहाँ पर आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है ट्रेड कॉपियर मास्टर, और उसमें नोड सर्वर और मास्टर की फाइल्स डालनी है, ठीक है। और स्लेव वाली जो फाइल है, स्लेव की जो फाइल है, वो आपको डालनी है स्लेव के अकाउंट में। यहाँ पर स्लेव का अकाउंट है, उसमें फाइल में जाएंगे, ओपन डेटा फोल्डर में जाएंगे, उसके बाद यहीं पर MQL5 और एक्सपर्ट्स, यहाँ पर आप एक फोल्डर बना सकते हो ट्रेड कॉपियर क्लाइंट, और उसमें आपको क्लाइंट की फाइल्स पेस्ट कर देनी है, ठीक है। ये करने के बाद आपको आना है अपने दोनों MT4 में, टूल्स पे जाना है, ऑप्शंस पे जाना है, और यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइजर के केस में ये सारे को एनेबल कर देना है, अलाउड एल्गोरिथमिक रीडिंग को और अलाउड DLL को, इन सबको आपको एनेबल कर देना है। ये दोनों अकाउंट्स में आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो आपने कर रखा हुआ है, ठीक है। इसको करने के बाद आपको एक सिंपल सा काम करना है, आपको फाइल में जाना है और आपको यहाँ पर जाना है ओपन डेटा फोल्डर में। ओपन डेटा फोल्डर में जाने के बाद आपको MQL5 में जाना है और एक्सपर्ट्स में जाना है और यहाँ पर इसमें जाना है, और यहाँ पर नोड सर्वर जो आपको दिख रहा है उस पर जाना है, और नोड सर्वर पे आपको डबल क्लिक करना है। ये नोड सर्वर का जो बैच फाइल आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ऐसी एक विंडो खुलेगी जिसमें दिखाएगा कि आपका कितने कनेक्शन सेक्टिव हैं। उसके बाद आपको अप्लाई कर लेने हैं अपने दोनों ईए। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर कनेक्टेड आ जाएगा टोटल कनेक्टेड कितने हैं। बस इसको मिनिमाइज़ करके रखना है, इसको क्लोज़ नहीं करना, इसको मिनिमाइज़ करके रखना। उसके बाद जो भी आप ट्रेड डालेंगे आपके दोनों अकाउंट्स में लग जाएगी। तो दोस्तों ये था MT5 का कॉपियर। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन चाहते हैं तो अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आप अपनी कोई कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं MT4 या MT5 में, कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और कैसी भी कोई स्ट्रैटेजी आप बनाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम वन टाइम डेवलपमेंट कॉस्ट लेकर आपकी स्ट्रैटेजी बना के दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इन MT4 या MT5 की ट्रेड कॉपियर की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। MT4 का ट्रेड कॉपियर का वीडियो आपको मैं दिखा दूंगा, अभी आपको लास्ट में दिख जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।